मेरठ जिले के भावनपुर में अवैध कॉलोनियां ध्वस्त करने पहुंचे मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम से बिल्डर भिड़ गए। उन्होंने कॉलोनी के गेट पर अधिकारियों को रोक दिया। हंगामा बढ़ने पर एमडीए की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुला लिया, जिसके बाद टीम कॉलोनी के अंदर पहुंची, लेकिन टीम एक कॉलोनी को ध्वस्त करने के बाद वापस लौट गई। जिन बिल्डर ने टीम का विरोध किया है उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बिल्डर सतीश मावी और दारा सिंह प्रजापति ने राली चौहान गांव में एग्रीकल्चर जमीन सस्ते दामों पर खरीद ली। इसके बाद उन्होंने बिना मानचित्र स्वीकृत कराई कॉलोनी बना दी। अब दोनों बिल्डर लाखों रुपए में प्लॉट बेच रहे हैं, जिसकी शिकायत एमडीए में की गई है। 10 दिन पहले एमडीए की टीम कॉलोनी ध्वस्त करने के लिए गई थी, तब बिल्डर ने विरोध करते हुए टीम के साथ अभद्रता की थी, जिस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा था। इस संबंध में एमडीए की ओर से भावनपुर थाने में बिल्डर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, धमकी व मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अल्टीमेटम देने के बाद बुधवार को टीम दोबारा कॉलोनी पहुंची। इस दौरान टीम ने सतीश मावी की शिवकुंज कॉलोनी ध्वस्त कर दी है। विरोध प्रदर्शन की वजह से दारा सिंह की कॉलोनी से टीम वापस लौट गई है। ये 10 से 12 हज़ार गज का मेरा फार्म हाउस है। लंबे टाइम से 2 साल से हम इसमें रास्ते वास्ते बना रहे हैं और 2 साल हो गए लगातार, तब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। अभी जैसे ही हमने अपने समाज को लेकर जंतर मंतर पर गए तो ये बीसी तो ये बता रहा है कि हमें लखनऊ से है कार्रवाई करने की, हम कार्रवाई करके रहेंगे, बाकी मेरा समाज आ रहा है वो करेंगे, देख लेंगे, बाकी हम बैठे। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपकी कमी रही है क्या है? कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट, हम मेरे नाम बेनाम है, मेरी ज़मीन है, फिर भी उसके बाद कार्रवाई करें कि हम तो कार्रवाई करेंगे। तो 2 साल से क्या चाहोगे सरकार से? क्या चाहते हो सरकार से? मदद चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे अत्याचार उत्पन्न ना हो। हम सरकार हमारे 99% वोट दिया योगी के मोदी को, अन्य समाज की शक्लों ने नारा सिंह प्रजापति देना यार छाप देना। अरे नहीं आप बता, क्या है सर, क्या मामला हुआ बता दो। दे भाई आईडी दे, पकड़ पकड़ एक मिनट। अरे रुक जाओ भाई, अरे गाली दे यार, पैर पे खड़े तो हैं, क्या कर रहा हो? अच्छा रुको, ये खिड़की बंद, ये तोड़ किस तो उसको तोड़ नहीं टूटे हम बता दे, खिड़की खोल के दे देता हूं मैं, खिड़की खोल के दे भाई, बता दो क्या हुआ। कह रहा लॉ एंड ऑर्डर को दृष्टिगत देखते हुए अभी ये दोस्तीकरण नहीं हो रहा है, 1-2 दिन का समय मांगा है तो 1-2 दिन का हम समय देने के लिए तैयार है। अभी बात करते हैं, इसी हिसाब से भी बात होगी तो उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा इनके कागज देख के। ठीक है, क्या अवैध कॉलोनी नहीं है? मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है,